राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जो रियासी के अंदर एक आतंकी हमला हुआ था 9 जून को, जिसके अंदर हमारे कई सारे हिंदू यात्री जो कि वैष्णो देवी की तरफ जा रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ था, और इन कायर आतंकवादियों ने उस बस के ऊपर तब तक गोली चलाते रहे जब तक हर एक व्यक्ति वहां पर मारा ना जाए। इसी बीच में उस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर थे उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी और उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम विजय कुमार है। और विजय कुमार जी की धर्म पत्नी रेणु शर्मा जी को आज एलजी साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। ये तस्वीर मैं आपको बता दूं और मैं धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का, जिन्होंने विजय कुमार जी की जो धर्म पत्नी है रेणु शर्मा जी, उनकी धर्म पत्नी को जो है आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया है सरकारी नौकरी का। विजय कुमार जी वो है जिन्होंने रियासी जब बस के ऊपर हमला हुआ था और ये बस जो है शिव खोड़ी से माता वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी हिंदू यात्रियों को लेकर, तो इन आतंकवादियों ने, इन कायरों ने हमारी हिंदू यात्री की बसों के ऊपर जो है हमला किया था और उसी बीच में ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई थी। ये ड्राइवर की धर्म पत्नी है रेणु शर्मा जी, जिन्हें एलजी साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का कि एलजी साहब ने, देखिए जून में ये हमला हुआ था और आज 2 ही महीनों में अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। इससे पहले जितनी भी कश्मीरी लीडरों की सरकारें रही हैं उस बीच में जब भी कभी ऐसा होता था तो गिड़गिड़ाना पड़ता था, बार बार चक्कर काटने पड़ते थे दफ्तरों के, सेक्रेटरीट के अंदर कोई जाने नहीं देता था, हमारा कोई अफसर वहां नहीं मिलना, वहां पर बस धक्के ही खाते रहते थे और लोगों को नौकरी तक नहीं मिलती थी। ये तो शुक्र करो कि हमारे यहाँ पर एलजी साहब हैं और मनोज सिन्हा जी हम लोगों का दर्द समझते हैं, हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। और आज मनोज सिन्हा जी ने, देखिए जिस बस ड्राइवर के को भी हमले में मारा गया था उन लोगों के साथ, उन सभी को कंपनसेशन तो दिलवाई, साथ ही में उस बस ड्राइवर की जो धर्म पत्नी है रेणु शर्मा जी उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया सरकारी नौकरी का। पहले की सरकारों के पास तो लोग अपनी चप्पलें ही घिसते रहते थे, खास करके हमारे जम्मू के लोग। हाँ, कश्मीर के लोगों को फायदा मिलता था, जम्मू के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता था, और ये कड़वा सच है, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। यहां तक कि हमारे जम्मू के लीडर्स भी कश्मीरी लीडरों के साथ जो है अपने उनके सामने उनके मुंह से जुबान तक नहीं खुलती थी कि भाई बोल दें कि हमारे बंदों को नौकरी दें, डरते रहते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कहीं वहां के जो लीडर हैं हमें ही ना मंत्रालय से हटा दें। तो ये हालत होती थी पहले, लेकिन आज एलजी साहब जो हैं लोगों के लिए यहाँ पर जो है एक ऐसे व्यक्ति बनकर आए हैं कि लोगों को आज जो कोई दिक्कत आ रही है उसका सारे हर चीज़ों का हल कर रहे हैं। तभी आज जो है कई सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है, तभी वो चाहते हैं कि यहाँ पर एलजी साहब का शासन जाए और यहाँ पर फिर से कश्मीरी लीडरशिप आए और फिर से वही तानाशाही हो। लेकिन आज शुक्र है कि देखिए रेणु शर्मा जी को अपॉइंटमेंट लेटर मिली है, इनके पति हमारे हिंदुओं की यात्रा लेकर जा रहे थे बस में और आतंकवादियों ने इनको मारा था। और जहां पर पहले आतंकवादियों को नौकरियां बांटी जाती थी पहले के लीडरों द्वारा, आज एलजी साहब के शासन में शहीदों के परिवारों को नौकरी दी जा रही है। धन्यवाद जी, और मैं धन्यवाद करूंगा एलजी साहब का। राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।